हमारे चैनल को। नमस्कार आदाब, इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं जावेद पटेल, आज की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। भुसावल से हमारे संवाददाता अजर शेख की खास रिपोर्ट। खड़का रोड के मोहम्मद अली रोड पर 6 फरवरी 2022 अलीना हॉस्पिटल उद्घाटन रखा गया। अलीना हॉस्पिटल के डॉक्टर सायरा शेख BMS चार्ज अपने हाथों लिया। अलीना हॉस्पिटल उद्घाटन माजी पालक मंत्री एकनाथराव खड़से इनके हाथों किया। उद्घाटन समारोह उपस्थित आमदार संजय सावकरे, संतोष भाव चौधरी, डॉक्टर उल्लास पाटिल, डॉक्टर सुरेंद्र भिरुड, डॉक्टर आसिफ शेख, डॉक्टर संजय नेहते सभी डॉक्टर के उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का आने के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अल्लाह का एहसान और करम रहा कि इसके अंदर मेरे दोनों भाई, भांजा, मेरे साले, मेरे अब्बू, मेरे ससुर, इन सब ने मेरी बहुत मदद की। अल्लाह इन सब को इज्जत अता करे और इन सब को सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। मैं ये दो शब्द बोल के अपने ख़त्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया आप सबका, और ये एक याद भी रहेगी मोहतरमा डॉक्टर सायरा शेख साहब के लिए कि भाव ने खूबसूरत तोहफा जो नजर बद से बचाने के लिए है हमें यहाँ पेश किया। डॉक्टर सायरा के इस क्लिनिक के उद्घाटन के लिए हमारे इस प्रोग्राम के सदर हमारे आदरणीय लोकप्रिय आमदार संजू भाव सावकारे, आदरणीय माजी खासदार डॉक्टर उल्लास पाटिल साहब, इस शहर के नगराध्यक्ष रमन भाव भोले, डॉक्टर सुरेंद्र जी भेरूड, डॉक्टर नेहते साहब, हमारे दोस्त श्री मनियार विराज्य के अध्यक्ष फारूक भाई, मंच पे उपस्थित हमारे सर्व सन्माननीय सभी सन्माननीय अतिथि, उपस्थित सारे सभी भैया हैं, पीछे हमारे डॉक्टर साहब है, नए पहलवान है, सभी मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, उपस्थित सारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी के ओर राम संद्रा दी लता दीदी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। करीबन कई सालों से जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं तो हिंदुस्तान के बाहर भी अपने सुरीले आवाज से सारी दुनिया को एक अच्छी तरह से उन्होंने प्रभावित भी किया, एक अच्छा संगीत दिया, एक अच्छा सुर दिया, और कई सालों तक उनकी याद हमारे दिल में रहेगी। कई विषयों के बारे में उनके गाने थे जो दिल को छू लेने वाले भी थे, जिनकी आवाज़ ऐसी कुछ दर्द भरी भी थी, कुछ आवाज़ ऐसी थी लोगों को खुशियाँ देने वाली भी थी, और ऐसी आवाज़ हमारे में से गई है, और इस प्रोग्राम के जरिए सभी को वैसे मैं उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा तो हमारे डॉक्टर संजय नेहते साहब यहाँ है, शहर के क्लिनिक का उद्घाटन तो हम कर रहे हैं, आज खुशी की बात है, खुशी का दिन भी है, और ऐसा ही खुशी का दिन है कि डॉक्टर संजय नेहते साहब का जन्मदिन है, और हम इस जन्मदिन के आधार पर उनको सभी मिलकर शुभेच्छा दे, बधाई दे कि उनकी तबीयत भी अच्छी रहे, और कई सालों तक, जो मैं 100 साल कभी नहीं बोलता पर बोलता 90 साल, 95 ईयर्स, तबीयत भी तो अच्छी रहना चाहिए। और सबसे पहले हमारे सायरा बेटी को मैं शुभेच्छा देता हूँ कि यहाँ एक अच्छा क्लिनिक उन्होंने खेला और खोला। जहाँ मोहल्ला एक ऐसा मोहल्ला है कि जहाँ माइनॉरिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, और माइनॉरिटी के समाज में एक महिला डॉक्टर होना और वो भी गायनिक का वगैरह काम करना, ये बहुत ही मुश्किल रहता है। मैं देखता हूँ कि सारे माइनॉरिटी में एक आधे दूसरे डॉक्टर होती है, BMS होती है, MBBS होती है, कोई MS होता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो आपके यहाँ डॉक्टर होते हैं, और उसमें लेडीज डॉक्टर तो बहुत ही कम है। ये जाम मोहल्ले में एक लेडीज डॉक्टर की जरूरत थी, पहले भी डॉक्टर्स हैं यहाँ,
पर और भी कितने भी डॉक्टर लेडीज है तो कम पड़ेंगे ऐसा ये मोहल्ला है। और सायरा बेटी तो हमारी बेटी है, कई सालों से मेरे और शेख साहब से संबंध है, एक पारिवारिक संबंध है। बचपन से मैंने उनको देखा है, एक अच्छे स्वभाव की लड़की है, सारों को साथ में लेकर चलने वाली है। एक अच्छी उन्होंने तालीम भी अपने डॉक्टर साहब से ली है, वहाँ उन्होंने काम किया है, एक अनुभव के आधार पर वो अच्छी तरह से यहाँ काम कर सकती है, अच्छी तरह से सेवा दे सकती है। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है पर हर एक की नस पकड़ता हूँ और चेहरे से देख सकता हूँ कि किस ढंग का आदमी है, इसकी क्या बीमारी है। और मैं बोलता हूँ सायरा को कि चेहरे से समझ लेना कि इसका दुख क्या है। जब प्रसन्न इस प्रोग्राम के सदर और आप सभी लाडले, सभी के लाडले आमदार, परमानेंट आमदार बोल सकते हैं, हमारे दोस्त छोटे भाई संजय जी सावकारे साहब, मंच पर बैठे हुए सारे बुजुर्ग डॉक्टर, डॉक्टर बिरुड़ साहब, डॉक्टर नेहते साहब, सारे बैठे हुए डॉक्टर्स, डॉक्टर सारिका, डॉक्टर सायरा, हमारे इंजीनियर दोस्त शब्बीर शेख साहब और यहाँ उपस्थित फारूक भाई, टीआई साहब, सारे इस प्रोग्राम को आए हुए भुसावल शहर के जाने माने लोग और भाई और बहनों, बहुत खुशी है कि कोरोना के बाद में एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। और इस प्रोग्राम में हम सब डॉक्टर सायरा का जो नया अस्पताल यहां इस इलाके के लोगों के लिए वो शुरू कर रही है उसको मुबारकबाद देने हम सब यहां आए हैं और बड़ी तादाद में आए हैं, हिंदुस्तान पूरा आया है ऐसा हारून भाई ने बताया, सभी पार्टी के लोग आए ऐसा बताया और सभी नगर सेवक भी आके गए आ रहे बैठे हैं। तो शायद ये ऐसा मौका इस तरह का प्रोग्राम सभी पार्टियों के साथ में मिलना बहुत मुश्किल रहता है, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी फक्र की बात है कि आपके पिताजी, आपके शौहर, आपके ससुर, इन लोगों का जो जनसंपर्क है, इन लोगों ने जो लोगों के साथ में पूरे उनके सर्विस में उनका बर्ताव रहा है, वो हम हमेशा कहते हैं ना ताली एक हाथ से बजती नहीं, इस तरह से लोग मिलते रहे आपको, लोग मिलने के बाद में मोहब्बत करते हैं और किसी दोस्त या किसी पहचान वाले के यहाँ जब कोई प्रोग्राम रहता है तो जरूर पूरा काम छोड़ के उस प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए, उसको मुबारकबाद देने के लिए आते हैं, उसका आज ये बड़ा उदाहरण मैं यहाँ देख रहा हूँ। और डॉक्टर सायरा ने जहाँ पढ़ाई की है उसके बारे में तो सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके डॉक्टर विश्वनाथ ने बताया, डॉक्टर भिरुड साहब ने बताया, संजय जी मेहते ने बताया कि उसने बहुत ही जी जान लगा के उसकी डिग्री मिलने के बाद में काम किया है, 24 घंटा उसने काम किया है और उसने हर एक चीज सीखने की कोशिश की है। तो ये एक साल के अंदर में और उसके साथ में उन्होंने जिस के सिवा कुछ और नहीं, जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए फारूक शेख साहब आपके हजूर। शुरुआत करी तो ईश्वराच्या नावाने जो अत्यंत दयाळू व कृपाळू आहे, आज
अलीना हॉस्पिटल उद्घाटना चे अध्यक्ष आदरणीय आमदार सावकारे साहेब सॉरी नाथाभाऊ आणि अध्यक्ष आमचे सावकारे साहेब व्यासपीठावर विराजमान डॉक्टर उल्हास पाटील साहेब भोडे साहेब आणि सर्व सन्माननीय व्यासपीठ। प्रथमतः असा प्रसंग आला आहे की सगळे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी बोलल्यानंतर माझ्यासारख्या अवैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तीला या ठिकाणी आमच्या समन्वयकाने मला बोलण्याची संधी दिली। मी सर्वप्रथम ईश्वराचे अल्लाचे आभार मानतो की त्यांनी सायरा डॉक्टर सायराला ही एक सुबुद्धी दिली की त्यांनी या ठिकाणी अशा गर्दीच्या ठिकाणी आपलं हॉस्पिटल सुरू केलं। मी एकच सांगेल भाऊ या ठिकाणी की प्रत्येकाने सांगितलं, माझे मित्र जे आहे त्यांनी सांगितलं की सायराचे वडील सगळ्यांनी त्यांच्या वडिलांचं सांगितलं, परंतु यशस्वी पुरुषाच्या मागे जशी स्त्री असते तसं यशस्वी स्त्रीच्या मागे पुरुष असतो आणि त्यामुळे मला थोडासा अभिमान आहे माझ्या पुतण्यावर जो एक राष्ट्रीय खेळाडू आहे हॉकीचा माझा अखिल या ठिकाणी आहे। खरोखर त्या दोघांच्या समन्वयामुळे आज सायरा ही आपली प्रगती करते आहे, त्यामुळे निश्चितच अखिलचंही आम्ही या ठिकाणी जेवढं हे करू कौतुक ते कमी आहे। मी अशा प्रसंगी फक्त अल्लाह ईश्वराकडे एकच प्रार्थना करेन की सायराच्या हातात ईश्वराने असे गुण द्यायला पाहिजे की जो पेशंट आला त्याला 3-4 दिवसाचा डोस न घेता त्या पहिल्याच डोसमध्ये तो बरा व्हायला पाहिजे, इतकीच मी ईश्वरासाठी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। हाय विकी, एक बात बताओ, तुम हमेशा फ्रेश कैसे रहते हो, क्या राज है? अरे सीक्रेट नहीं, ये कमाल है आनंद मुखवास की, जो है माउथ फ्रेशनर का बादशाह। सौंफ, धना दाल, तिल, अजवाइन जैसे नेचुरल चीजों से बना, छोटों से लेकर बड़ों के खाने उपयोग। वाओ नाइस, मुझे भी चाहिए आनंद मुखवास। भरपूर ताजी सांस अब आपके पास, आनंद मुखवास के साथ अब 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपए और फैमिली पैक में भी उपलब्ध।